एक राजा था जिसने एक नागराज यानी सांप को कुछ शरारती बच्चों से बचाया था जो उसे मार डालना चाहते थे। तब नागराज ने प्रसन्न होकर राजा को वरदान दिया कि वह हर जानवर तथा जीव जंतु की भाषा समझ सकेगा, लेकिन एक शर्त थी कि अगर तुम किसी को यह बात बताए कि तुम्हें जानवरों तथा जीव जंतुओं की भाषा आती है तो उसी समय तुम्हारी जान चली जाएगी। एक दिन राजा अपने राज की कार्यभार खत्म करके अपने रानी के साथ बाग में कुछ खा रहा था तो एक टुकड़ा नीचे गिर गया। तभी वहां से गुजर रही चींटी ने कहा, अरे वाह, कितना बड़ा स्वादिष्ट टुकड़ा है, इसे ले जाने के लिए तो एक बैलगाड़ी लगेगी। बाद में चींटी ने टुकड़ों को उठाने की कोशिश करने लगी। यह सब सुनकर राजा को हंसी आई। तब पास में बैठी रानी को लगा कि राजा उस पर ही हंस रहे हैं। तब रानी ने इसका कारण राजा से पूछा और कहा कि क्या मेरे सिंगार में कोई कमी है, आप हंस क्यों रहे हैं। राजा ने कुछ नहीं बोला और बात को टाल दिया। जब राजा और रानी अपने कक्ष में पहुंचे तो रानी तरह तरह के नखरे कर राजा से जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर राजा किस बात पर हंसे थे। तब राजा ने कहा, मैं यह नहीं बता सकता, लेकिन रानी नहीं मानी। तब राजा ने रानी से कहा कि वह कल बाग में बताएंगे। जब राजा बाग में कुछ शाहकारियों के साथ बाग से गुजर रहा था तब उसने एक बकरी और गधे की बात सुनी। बकरी ने गधे से कहा कि राजा तो तुमसे भी ज़्यादा मूर्ख है, वह जब रानी को बताएगा कि उसको चींटी की भाषा समझ आई थी तभी वह मर जाएगा। यह बात जानकर भी राजा ने सिर्फ रानी को खुश करने के लिए जान से हाथ धो बैठेगा। तब राजा मर जाएगा तो रानी उसकी सारी संपत्ति को लेकर दूसरे पुरुष के साथ मजे करेगी। यह बात सुनकर राजा को एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी मूर्खता कर रहा था। जब रानी बाग में आई तब राजा ने कहा कि वह बात बताएगा लेकिन उसके जान निकल जाएंगे, इसलिए रानी को एक शर्त बताई और रानी से कहा कि तुम्हें 100 कोड़ों की मार खानी पड़ेगी तभी हम बताएंगे। तब रानी को लगा कि राजा उसे अधिक प्रेम करता है इसलिए हल्के से कोड़े मारेगा, लेकिन राजा ने जोर जोर से रानी को कोड़े मारने की आज्ञा दे दी। तब रानी चिल्लाकर कहने लगी कि बस करो, अब हमें नहीं जानना कि बात क्या थी, लेकिन अब हमें कोड़े ना मारे जाए। तब राजा ने सोचा कि रानी को अपने जीवन की परवाह नहीं लेकिन उसे कोड़ों से परेशानी है। तब राजा ने और जोर जोर से कोड़े बरसाने की आज्ञा दे दी। बाद में मंत्री ने राजा से कहा कि वह रानी को क्षमा कर दें। राजा ने रानी को माफ तो किया लेकिन उसे पहले जैसा प्यार और सम्मान नहीं दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख यह मिलती है कि जो बातें हमारे लिए उपयोगी नहीं है उसे जानने के लिए किसी से जिद नहीं करनी चाहिए। क्या पता सामने वाला किस संकट से गुजर रहा हो, सामने वाले की स्थिति को देखकर ही हमें किसी बात को करनी चाहिए।